दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट मिठाई। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ गए हैं और आपके पास समय भी बहुत कम है, तो आप 5 मिनट में ये टेस्टी मिठाई बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं। सभी को ये टेस्टी मिठाई बहुत ही पसंद आती है और सबसे अच्छी बात ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। सॉरी दोस्तों, ज़ुकाम होने की वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिस वजह से आपको वीडियो में मेरी आवाज़ हल्की सुनाई देगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं झटपट बनने वाली ये टेस्टी मिठाई। इस इंस्टेंट मिठाई को बनाने के लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी पाउडर डाल लें। दोनों चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मैंने दोनों चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल लेंगे। दूध डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मैंने चीनी और नारियल के बुरादे को दूध के साथ अच्छे से मिला लिया है। नारियल का बुरादा दूध को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि नारियल का बुरादा दूध को अब्जॉर्ब कर ले। ऐसा करने से हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, मुझे इसे रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। नारियल ने दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल दूंगी। मिल्क पाउडर डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब मैं इसे हाथ से अच्छे से चला लूंगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ये एकदम मावे की फॉर्म में लग रहा है। हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर ग्रीस कर लें। अब हम इसको हाथों में लेते हुए कुछ इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह से करते हुए इसको चिकना कर लें। ये देखिए, मैंने इसे चिकना करते हुए इस शेप में बना लिया है। मैंने एक प्लेट पर बटर पेपर रखकर इसको देसी घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपना ये मिठाई का मिश्रण रख देंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। आप मिठाई को किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे चकले बेलन से भी बेल सकते हैं। आप मिठाई को अपनी पसंद अनुसार मोटा या पतला कर सकते हैं। अब इसे अच्छी शेप देने के लिए एक चम्मच की मदद से इसको इस तरह से एकसार कर लें। ये देखिए, मैंने इसे सभी तरफ से एकसार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोकोनट डाला है जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें बाकी के कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। इसको एकदम मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लगाएं। अब हम इसे बारीक कटे हुए पिस्ते से सजा देंगे। अब हम इसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद मैंने मिठाई को फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए, हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप मिठाई को अपनी पसंद अनुसार किसी भी शेप में कट कर लें। अब हम मिठाई को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, बटर पेपर से मिठाई बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से सभी पीस निकाल लें। ये देखिए, बिना गैस जलाए हमारी 5 मिनट में कितनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। बच्चों को तो ये मिठाई बहुत ही पसंद आती है।